भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत हुई है। अब तक देश में लगभग 45% लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। इसके साथ ही भारत सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। 2 फरवरी के आधिकारिक डेटा के अनुसार भारत में 40 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बुधवार को देश में 2,48,662 लोगों को टीका लगा है। इसके साथ ही टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या देर शाम को 93.9 पर पहुंच गई। यह टीकाकरण के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के पंजीकृत 92,61,227 लोगों का 47% है। भारत की तुलना में अमेरिका को 40 लाख लोगों को टीका लगाने में 20 दिन लगे थे, जबकि ब्रिटेन और इसराइल ने 39 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल किया था। प्रमुख राज्यों लाभार्थियों की बड़ी संख्या वाले में मध्य प्रदेश ने 2 फरवरी तक सबसे ज्यादा 69.4% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया है। वहीं राजस्थान में यह संख्या 64.7% रही। वहीं यूपी में 18 दिनों में सबसे अधिक 4.63 लाख लोगों को टीका लगवाया गया। राज्य में 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनमें से 51% का टीकाकरण हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।